हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नीर, आपका स्वागत है होम गार्डनिंग नीर यूट्यूब चैनल में। आज हम मैक्सिकन सनफ्लावर के बारे में बात करेंगे। इसके साइंटिफिक नेम है टिटोनिया डाइवर्सिफोलिया। ये एक वाइल्ड फ्लावर्स है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये जंगलों में पाया जाता है, इसे ये जंगलों में खुद ब खुद ग्रो होता है, तो हम इसे घर में भी लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही फूल है। सनफ्लावर की तरह दिखते हैं, ये देख सकते हो आप लोग, एग्जैक्ट सनफ्लावर की तरह ही है। लेकिन ये विंटर में खिलते हैं फ्रेंड्स, दिसंबर के महीने खिलना स्टार्ट हो जाता है और इसका फ्लावर बच नवंबर लास्ट वीक में आना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, और दिसंबर में ये खिलता ही रहता है। ये सीड से भी ग्रो होता है फ्रेंड्स, सीड्स और कटिंग से भी ग्रो होता है। कटिंग से इजीली ग्रो होता है और सीड्स मैंने लगा के नहीं देखे हैं, लेकिन ये सीड्स से भी ग्रो होता है। मैंने इसे ज़मीन पे ग्रो किया है। अगर आप चाहे तो इसे पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हो। पॉट्स में ग्रो करने से ये ज़्यादा हाइट पकड़ नहीं लेगा। ज़मीन पे ग्रो करने से ये एक ब्रिक्स बन जाता है, 12 या 15 फीट का ये हाइट ले लेता है फ्रेंड्स। और इसके कटिंग्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करें तो अच्छा है, क्योंकि रेनी सीजन में कटिंग्स इजीली प्रोपगेट होता है, रूट्स डेवलप होता है, तो इसके कटिंग्स को भी हम रेनी सीजन में ग्रो करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विंटर सीजन में अगर हम इसके कटिंग्स लगाते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा कम ही आएगा फ्रेंड्स। सो इसे रेनी सीजन में आप लगाना चाहते हो तो रेनी सीजन में आप लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आपको ये मैक्सिकन सनफ्लावर कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।